आरएफसी का गोदाम है भाई, ये राशन की गोदाम है यहाँ। इसमें नाज पानी सब खराब हो गया, ये पूरा दब गया, पूरा दब गया। थोड़ा एक दो बोरी निकले हैं राशन के, ये घर पूरे डैशमैश हो गए हैं यहाँ से। ये गांव वाले निकाल दिए हैं इसमें से, ये तीन ही घर बचे हैं, बाकी के ऊपर से सब बह के आ गया है। यहाँ पूरे खेत जमीन थी, पूरी बहुत जमीन थी, आलू वालू लग रहे थे यहाँ, सब आलू राजमा थे यहाँ, सब खत्म हो गया, पूरा पूरा डैशमैश हो गया है। ये हमारा खेत है, ये सेब का पेड़, ये सेब का पेड़, ये सब टूट टाट के बराबर हो गए। ये घरों के जमीन वमीन सब डैशमैश हो गए यहाँ। इतनी 50 साल बाद आप आइए, कितने दिन बाद आइए बुबू? ये सन 70 में आया था, दूसरी बार ये आ गया। अच्छा, सन 70 के बाद आपके आपदा आई है यहाँ। कल रात को तो इतना भयंकर हो रहा था, यहाँ से 2-3 किलोमीटर दूर हम रहते हैं, 1-1.5 किलोमीटर, अभी भी पत्थर बह ही रहे हैं। कल इतना हमारे कमरे से भी जहाँ नदी जा रही है, इतना भयंकर हो रखा था, रात भर नींद नहीं आई। रात भर यहाँ के लोग इकट्ठे, एक ही सब एक ही यहाँ के गांव वाले सब एक ही जगह रहे हैं, ये एक ही जगह बैठे रहे हैं, गांव के स्कूल में पूरे बढ़िया जगह सेफ जगह बैठे रहे पूरे गांव वाले। खाना पीना का कोई खाना वाना भी कुछ नहीं खाया इन लोगों ने, सब ऐसे ही बाहर बैठे हैं।